मैंने यही सोचा था कि मैं एक लोन वुल्फ हूँ और पूजा मैम की भी वही साइकोलॉजी थी, तो हम काफ़ी इजीली कनेक्ट कर पाए। और धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं उनके फुटस्टेप्स पर चलूँगी तो मेरे लिए बेहतर होगा, ना ही गेम में बल्कि पूरी ज़िंदगी में। जी नहीं, मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, बल्कि दूसरे कंटेस्टेंट्स ने मुझे शेम करने के लिए, मुझे इंसल्ट करने के लिए स्टेटमेंट्स दिए थे। तो डॉली बिंद्रा ऑफ कोर्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी रही है बिग बॉस की हिस्ट्री में। उनके सीजन का विनर कौन था शायद मुझे याद नहीं, बट डॉली बिंद्रा ज़रूर याद है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट पास की थी या मेरे माइंड में था, बट हाँ, दूसरे कंटेस्टेंट्स ने मुझे शेम करने के इंटेंशन से छेड़ना शुरू कर दिया था और नाम लेना शुरू कर दिया था। बट आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर द सीनियर्स ऑफ द शो और जो भी एक्स कंटेस्टेंट्स रहे, तो मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट पास नहीं की। वेल, अगर आप मुझसे पूछे हो ना पर्सनल नोट, तो मैंने उसमें एक विनर और लीडर का पोटेंशियल या फिर वो पर्सनालिटी नहीं देखी थी, लेकिन अगर एल्विश एंटर नहीं करता पाए, पब्लिक सपोर्ट एंड फैन बेस, वो जरूर जीतता। आप लोगों ने कहा कि मनीषा को कहीं शी इज नॉट अ फिल्म मटेरियल, उस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? इस तरह का स्टेटमेंट देना के ऊपर आप कैसे देखते हैं? मैं और पूजा मैम ये बात कर रहे थे, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि वो काफ़ी एक्साइटमेंट जता रही थी, शो ऑफ कर रही थी कि फिल्मों में उस ऑलरेडी उसके पास इतना काम है ये वो। बट पूजा मैम ने कहा कि शी इज़ नॉट अ हीरोइन मटीरियल, एंड आई टोटली एग्री विद दैट, बिकॉज जो ह्यूमिलिटी और डाउन टू अर्थ नेचर और प्रोफेशनलिज्म इंसान में होना चाहिए, वो हमें उसमें नहीं दिखा, तो मुझे भी पर्सनली नहीं लगा। लेकिन आपने इसी तरह से खुलकर आपने अभिषेक को बोला कि यू आर इनसिक्योर पर्सनालिटी पूजा, और एल्विश जीतने वाला है उससे पता चल रहा था, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं अंदर से खुद को प्रॉब्लम में डाल रहा था, वो हमें दिखा और इसके लिए तो बीमार भी थोड़े पड़ गए जी। क्या कहना चाहेंगे इसको लेके, एल्विश को लेके? अभिषेक काफी इनसिक्योर पर्सनालिटी थे, मनीषा भी थी जी जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि शो की शुरुआत से, अभी देखिए मैं फेस रीडर हूँ, इंसान का चेहरा देखती हूँ और समझ जाती हूँ उसके मन में क्या चल रहा है या वो कैसी पर्सनालिटी है। तो अभिषेक में बहुत जुनून है जीतने का और अपना बेस्ट भी दे देता है, कभी कभार अपने मॉरल्स पूरे साइड में कर देता है, बट अपने आप को आगे थ्रो करता है और अपने आप को ऑलरेडी एक विनर परसीव करता है। मैं भी अपने आप को ऑलरेडी एक विनर परसीव करके उस घर में गई थी, तो वहाँ मैं उससे बहुत कनेक्ट करती हूँ और उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बट जी हाँ, पूजा मैम और मुझ में एक इंट्यूशन है, हम सेंस कर लेते हैं, हम इंसान को जल्दी परख लेते हैं बड़ी आसानी से। और एल्विश को बस मैंने स्क्रीन पे एक टास्क में देखा था, वो घर में आया नहीं था, और मैंने कहा था ये इंसान मुझे घर में चाहिए। तो मैंने देखिए, अभी फेस रीडिंग का एक रूल होता है कि आपको सच बोलना है, अब वो सच कड़वा भी होता है और कभी मीठा भी होता है, तो जिसको अपने बारे में बोली गई चीज़ या बात पसंद नहीं आती, वो उसे अक्सर गलत समझते हैं और ईगो में आके और you know, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाती है, तो हाइपर हो जाते हैं, और अभिषेक का उसमें रिएक्शन सबसे ज़्यादा दिखा है। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं गलत फेस रीडिंग करती हूँ। हाँ, एस्टिमेशन मेरे थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, वो भी बहुत छोटे मात्रा में, बट गलत तो नहीं कह सकती, क्योंकि इवेंचुअली वक्त के साथ ही आपको पता चलेगा। एल्विश में मैंने हमेशा पोटेंशियल देखा था और मैं हमेशा सोचती थी एल्विश जीतेगा कंपेयर टू अभिषेक, तो वो हुआ है। जी जी देखिए, वो पर्सनली अगर लड़कों के साथ ज़्यादा सपोर्टिवली घुलती मिलती है, तो इनिशियल डेज में मेरा राइट नहीं होता है कि मैं उसे जज करूँ या उस पर क्वेश्चन करूँ। मैं एक कंप्लीट स्ट्रेंजर थी, वो एक कंप्लीट स्ट्रेंजर थी, और वो उसका USP है, उससे उसने अपना पूरा करियर बनाया है, जहाँ पे मैंने ये नहीं कहा तेरा कैरेक्टर गंदा है, मैंने ये कहा कि तू लड़कों के साथ मेल फ्रेंडशिप को ज़्यादा वैल्यू देती है और फीमेल फ्रेंडशिप्स की तेरी नज़रों में कोई कदर नहीं, और तू हमेशा लड़के लड़के करती रहेगी, तो जो फीमेल फ्रेंडशिप में जो पावर और जो एसेंस होता है ना, वो तू गवा देगी। तो उसने अपने कैरेक्टर पे ले लिया, तू लड़का लड़का कैसे बोल रही है।
तो मेरा कभी वर्ड ये नहीं था कि तेरा कैरेक्टर गंदा है, मैंने यही कहा था कि फीमेल फ्रेंडशिप्स की वैल्यू करो। मैंने जिंदगी भर वैल्यू की है, मेरी ज़्यादातर फ्रेंड्स फीमेल्स रही हैं और बिलीव मी वो आपको लाइफ में जहाँ ले जाएगी, जिस दिशा में ले जाएगी, आप आगे बहुत जाओगे। तो वही मैं समझा रही थी। तो इनिशियली जब मैं उससे मिली थी, मुझे एक नेक दिल अच्छी लड़की दिखी थी उसमें, बट इवेंचुअली जब उसने मौका परस्त होके अपनी दोस्ती बदलना शुरू किया और मुझे लिटरली डिस्कार्ड करना शुरू किया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसने अपना गेम शुरू कर दिया है। और पहले ही हफ्ते में उसके मुंह पे मैंने किचन में बोला था, गेम शुरू हो गया क्या तेरा, उस पर वो बहुत चिढ़ गई थी। तो जब जब मुझे जो चीज़ सेंस हुई मैंने मुँहपट होकर बोला है, कुछ मन में नहीं रखा है। तो देखिए, अभिषेक के साथ मेरी बॉन्डिंग काफी टॉक्सिक रही है, वो पूरी दुनिया ने देखा है। और अभिषेक की जो पर्सनालिटी है ना, वो इतना डोमिनेंट, इतना एग्रेसिव और ओपिनियनेटेड है, और मैं भी डोमिनेंट, एग्रेसिव और ओपिनियनेटेड है, उसमें मुझे बहुत सिमिलैरिटीज है। तो दो स्वॉर्ड्स, दो तीर कमान एक साथ रहेंगे तो युद्ध तो होगा, घमासांड युद्ध होगा। तो अगर वो उस युद्ध के लिए तैयार होता तो वो मुझे अप्रोच करता, बट ऐसे मर्दों को ना अक्सर वो चुपचाप रहने वाली, थोड़ी मंद बुद्धि सी, थोड़ी शांत स्वभाव की, थोड़ी हाँ में हाँ मिलाने वाली लड़कियाँ पसंद आती है। तो मुझे नहीं लगता मैं किसी को पसंद आऊँगी जो ऐसे मर्द होते हैं, मुझे नहीं लगता मैं अभिषेक को पसंद हूँ। तो उस एंगल में मैंने कभी सोचा नहीं है। देखिए, एल्विस ने पहली बार में ही मुझे देख के कहा था ये ढीठ है। तो अगर मैंने एल्विस को परखा था, उसने भी मुझे कहीं परखा था कि मैं ढीठ हूँ। तो उसने काफी हद तक माफी मांगी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी ना, जब मैं किसी का बर्ताव दोहराते हुए देखती हूँ तो मुझे वो गलती नहीं, मैं मुझे वो उनकी आदत या फितरत नज़र आती है। और एल्विस का वही रूप अविनाश के सामने भी बार बार निकल के आ रहा था झगड़ों में, तो वहाँ पे मेरा एक सेंस ऑफ गार्ड ऊपर हो गया और ट्रस्ट इश्यूज बिल्ड हो रहे थे। बट सलमान सर ने जब हमें समझाया, मैं सलमान सर की सुनती थी, मेरे डैड की और पूजा मैम की, तो सर ने बहुत ही अहम बात बोली कि बेबी का को इतनी गलतियों के लिए सबने माफ़ किया, बट उसकी अकड़ देखो, वो किसी को माफ़ नहीं करती। वो बात मुझे दिल पे हिट हो गई और मैंने रियलाइज़ किया, हाँ इस घर में मैंने क्या कुछ किया है, किसी का दिल तोड़ा है, किसी को मुँहफट होके बहुत कुछ बोला है, मेरी जबान को कैची माना जाता था घर में। तो सच में लोगों ने मुझे माफ़ किया, बट मैं जब किसी को माफ़ करने पे उतर रही हूँ तो मुझ में क्यों इतना ढीठपन आ रहा है। तो सर ने बहुत ऑन पॉइंट बात बोली और वो सीधा मुझे दिल पर रियलाइज़ हुई। तो तब जाके मैंने सोचा कि नहीं यार, अब मुझे इतना मीन और इतना ढीठ नहीं बनना चाहिए। और आपने सलमान सर के साथ हर हफ्ते आप रहे हैं, हाँ, सलमान सर के फेस रीडिंग करके उनकी शादी कब होगी ये बता दीजिए। सलमान बता दीजिए अभी। देखिए, सलमान सर को ना एक ग्रहणी की जरूरत है, तो उन्हें जिस दिन वो ग्रहणी, वो नेक दिल औरत मिल जाएगी जो उनके माँ के दिल में जगह बना पाएगी, उस दिन वो जरूर शादी करेंगे। लेकिन वो इस इच्छा को अंदर रखते हैं, जाहिर नहीं करते। तो अब वो सलमान सर है भाई, वो भगवान है, वो मेरे गॉडफादर रहे, उन्होंने कितनी बार मेरे लिए शो में स्टैंड लिया है। जैड का इशू हुआ तब स्टैंड लिया, एल्विश का इशू हुआ तब स्टैंड लिया, तो उन्होंने मुझे एक फादर फिगर की तरह ऐसे मेरी उंगली उठा के गाइड किया है पूरे शो में। और मेरी छोटी मोटी बातों को पकड़ के वो हमेशा आके मुझे टोकते भी थे, समझाते भी थे, क्योंकि वो कंसर्न थे मेरे लिए। आप जिसकी परवाह करते हो, आप उसके बारे में सोचते हो, उसके बारे में ज़्यादा बोलते हो, तो मेरे लिए तो वो एक गॉड लाइक फिगर है। अरे मैं कैसे दूँ, वो देंगे। थैंक यू, 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 थ